सभी साधकों को जय श्री राम। आज हम आपको तिलक का महत्व बताएंगे। आप सभी जानते हैं तिलक लगाते हैं हमारी संस्कृति में, पर क्यों लगाते हैं, कारण जानते हैं आप? आज्ञा चक्र। यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है यहीं पर तिलक लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तिलक लगाने से ये जो आज्ञा चक्र होता है ये बैलेंस रहता है, और एक तरह से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का यहाँ मिलन होता है, यहाँ प्रयागराज है। अगर आप तिलक लगाते हो इस भाव से तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की आप पूजा कर रहे हो, प्रयागराज की पूजा कर रहे हो, जो कि त्रिवेणी, इससे बड़ा संगम कोई भी नहीं है। और अगर आप यहाँ प्रतिदिन तिलक लगाते हो तो आप में एकाग्रता बढ़ती है, आपके स्ट्रेस दूर होता है, चिंताएं दूर होती हैं। लेकिन तिलक कौन सा लगाना है? सिंदूर का, जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो किसी प्रकार की। जैसे कि सिंदूर आता जो पाउडर वाला प्योर सिंदूर, उसमें देसी घी मिला लो, तेल मिला लो, बादाम का तेल मिला सकते हो तो उसको घर में बना लो, वो लगाओ, या फिर चंदन का लगा लो। हल्दी का लगाओगे तो कपड़े ज़्यादा उससे खराब हो जाते हैं। और या फिर भभूत का तिलक लगाया जाता है, जो भभूति होती है हवन की, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भी ये छोटी सी अच्छी आदत डालें अपनी जो संस्कृति की है। तो आज सब तिलक लगाएंगे। और तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते?